कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आई थिंक सारे के सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं चैनल के जो अभी ट्वेल्थ के अंदर आए हैं या इलेवेंथ के अंदर आए हैं या टेंथ के अंदर आए हैं या किसी भी सीबीएसई क्लास के अंदर आए हैं उनके लिए ये वीडियो है सो so, स yes, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं आपके इंग्लिश के सारे रिक्वायरमेंट्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैनल यहाँ पे मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम और कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगी इनकेस आप लैंग्वेज के बारे में और जानना चाहते हैं आप जो चीजें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती हैं आप और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे और भी दो चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का टाइटल जैसे कि आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा आज हम जानेंगे ऐसी पांच जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हो नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो और स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने से पहले पांच ऐसे लेसन जो शायद मैंने मेरी स्कूल लाइफ से सीखे थे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपका ये आने वाला सेशन अपना आपका आने वाला ये योर एकदम ऑसम हो सबसे पहला जो लेसन है वो ये है दैट लर्निंग इज़ अल्टीमेट गोल आप स्कूल जा रहे हो सीखने के लिए आपका अल्टीमेट गोल लर्निंग होना चाहिए जैसे कि बाबा रंजोड़ दास कहते हैं कि आपको एक्चुअली कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो चीज पसंद हो आप वो करो आप ज्यादा सीखो मार्क्स जो है वो तो फिर फॉलो करते हैं जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं अ यू नो इंटरेस्ट डेवलप होता है लर्निंग के टुवर्ड्स तो आप अपने आप उसे एंजॉय करते हो एंड मार्क्स एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग से ही अपना वो ईगरनेस चीजों के बारे में जानने का मेंटेन करो क्योंकि वो केवल आप कर सकते हो तो आपको ये करना चाहिए और ज्यादा सीखने की लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जब आप वो करते हो तो आपके लिए एंटायर प्रोसेस पूरा जर्नी आसान हो जाता है सेकेंड आपका जो लेसन है वो है इट इज ऑल फॉर फ्यूचर मैंने पता नहीं कितने सारे बच्चों को देखा है जो ये बोलते हैं कि यू you नो know, आज मेरा पीटी है आज मेरा यूनिट टेस्ट है अभी अभी ऐसे कर लेता हूँ ऐसे पढ़ लेता हूँ बाद में फिर से पढ़ लूंगा या फिर फाइनल है अरे इलेवेंथ ही तो है नाइन्थ ही तो है बोर्थ सॉरी है इनफैक्ट टेंथ और ट्वेल्थ के अंदर भी बच्चे बहुत लीनियट हो जाते हैं ये सोचिए कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो अभी उनके काम आने वाला है और कभी काम नहीं आने वाला सी नाइन टेंथ इलेवेन्थ ट्वेल्थ चारों क्लासेस बहुत ही क्रुशियल होती हैं और आपको जो भी इनमें सिखाया जाता है ये आपके करियर को शेप करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको आगे जॉब्स में ये काफी मदद करता है तो आप जो सीख रहे हैं आप ये मत सोचिए कि अभी पीटी है तो चलो मैं एक बार इसका रट्टा मार लेता हूँ ये समरी देख लेता हूँ और फिर चला जाऊंगा कोशिश कीजिए कि आप फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा सोच के कि ये आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है आपको पढ़ाई करनी चाहिए दैट विल हेल्प यू आपका जो अप्रोच है वो चेंज कर देगा आपको सीखने का और मन करेगा और जब वो होगा चीजें आसान हो जाएंगी तीसरा लेसन जो हो सकता है वो ये है दैट टुडे इज़ द डे देयर इज नो टुमारो आज जो है वो है कल कुछ नहीं है अब मैम बोल रही है कि, oh तो I mean, कि, कि अरे आज का दिन ही है so, वो फ्यूचर वाला अप्रोच के लिए है कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं आज ही बस इसको करके खत्म नहीं कर रहा हूँ अभी मेरे मार्क्स भी आ जाएंगे पर अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मेरे को बाद में प्रॉब्लम होगा वो

खत्म करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका काम अभी बिकॉज आपके ऊपर लोड कम है तो एकदम से पाइल हो जाए एंड अभी आप कुछ भी ना करो एकदम मस्त चिल करो एंड देन जब सबमिशन डेट्स आए तो एकदम पाइल ऊपर प्रेशर आए क्योंकि ऐसे में आप खाना और सोना दोनों भूल जाते हैं और दोनों ही गलत है एग्जाम के ऊपर भी ऐसा हो जाता है इधर एग्जाम है इधर सबमिशन है क्योंकि आप सेशन की शुरुआत कर रहे हो तो सेशन की शुरुआत से ही अपने काम को आज के आज खत्म होने की खत्म करने की आदत डालो उसे कल पे मत टालो क्योंकि कल पे अगर आप टालोगे तो वो पाइलप होगा विच इज वेरी बैड पॉइंट नंबर फोर जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपके स्कूल डेज आपको शेप करते हैं आप स्कूल डेज में क्या करते हो वो आपको आप बनाता है सी आपके एक्सपीरियंसेस भी स्कूल डेज के जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एडल्ट लाइफ के अंदर एक रोल प्ले करते हैं देखिए स्कूल को आपको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि स्कूल लाइफ जो होती है स्कूल डेज जो होते हैं है, वो कभी वापस नहीं आते बट ये भी आपको समझना चाहिए कि स्कूल डेज ऐसे होते हैं जिनमें आप जो भी करते हो वो आपको फ्यूचर यू बनाता है क्योंकि आपको इतना टाइम अभी स्कूल के अंदर नई चीजें सीखने का हॉबीज डेवलप करने का हैबिट्स डेवलप करने का मिलता है उतना टाइम आगे चल के अब आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा इतने सारे कंपटीटिव एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट कॉलेज इंटर्नशिप्स देन उसके बाद में जॉब्स और आप कभी भी इतना टाइम फाइंड नहीं कर पाओगे कि आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करो या कुछ नई चीजें सीखो तो स्कूल डेज को यूज करो सीखने के लिए और अपने आप को शेप करने के लिए आप अपने आप को कैसा देखते हो आप क्या चाहते हो कि आपके पास में कौन से स्किल्स होने चाहिए कौन सी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए यू वॉक आउट ऑफ स्कूल 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 वो वो चीजों को अभी स्कूल में लो. वो सारी स्कूल में में सीख सीख लो लो बिकॉज सारी मतलब टाइम टाइम क्योंकि आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है इन कंपेरिजन टू जब आप बाहर जाओगे स्कूल से बाहर जाओगे कॉलेज में जाओगे इंटर्नशिप करोगे जॉब करोगे तो वहां पर तो वो टाइम भी नहीं होगा तो आई थिंक नाउ इज योर टाइम एंड आपको ऐसी चीजों में ध्यान लगाना चाहिए ऐसी चीजों को करना चाहिए जो आपके लिए एक अच्छी फ्रूटफुल प्रोडक्टिव साबित हो और आपको आगे उनका काफी ज्यादा फायदा हो इसके लिए आप बहुत सारे स्किल्स जो है वो सीख सकते हो लाइफ स्किल्स सीख सकते हो आप कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हो जो आपको मदद करेंगी आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू नो पार्टिसिपेशन इज अ नॉन नेगोशिएबल क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम लोग ना एकदम एकदम चिल होते हैं एंड सारे एवरी वन ट्राइज टू बी कूल सबको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा डिबेट अरे डिबेट में कौन पार्टिसिपेट करता है डांस कॉम्पिटिशन इसमें कौन करता है सबसे पहली बात अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो आपको अपनी सीवी ध्यान में रखनी चाहिए एंड आपके सीवी के अंदर बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज की जरूरत होती है वॉलेंट्री एक्टिविटीज की जरूरत होती है सर्विसेज की जरूरत होती है तो उनको ध्यान में रखे तो एनी वे आपको ये करना है इनकेस आप अब्रॉड प्लान नहीं भी कर रहे हो तो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज इस चीज को ध्यान में रखेंगी कि आपने किन-किन चीजों में पार्टिसिपेट किया है एंड एट द एंड ऑफ द डे यही तो आपकी सीवी बनाता है अगर आप स्कूल टाइम में जब आपको इतना अच्छा एक कह सकते हैं प्लेटफार्म मिलता है जिसमें आप सारी चीजें कर सकते हो आप स्पीच कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो स्किट्स का हिस्सा बन सकते हो डिबेट्स का हिस्सा बन सकते हो आप डांस का हिस्सा बन सकते हो म्यूजिक कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो पेंटिंग कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हो आपके स्कूल के एनसीसी के अंदर आप जा सकते हो स्पोर्ट्स के अंदर आप जा सकते हो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो पार्टिसिपेशन जरूरी है अगर आपको ऐसा लगता है को, को करिकुलर एक्टिविटीज आपका चीज नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तो भी आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन हो सकता है पार्टिसिपेशन इन द क्लास जब टीचर कुछ भी पूछती है तो आपको जवाब देना चाहिए जब फ्रेंड्स आपसे कुछ पूछते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए

है आप इनमें से क्या अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपके लिए अकेडमिक वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड आने वाले हैं इस चैनल पे बहुत ही जल्द सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर